आज मैं आपको बताने वाला हूं आत्मविश्वास बढ़ाने के 7 सूत्र। काफी लड़के लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते हमको आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर होने वाला या रहने वाला विश्वास कि मैं कोई भी चीज मैं कर सकता हूं, मेरे लिए संभव है। यूजुअली होता क्या है कि अपना खुद का आत्मसम्मान या आत्मविश्वास ये बहुत लो रहता है, बहुत कम रहता है। मैं नहीं कर सकता, मुझे यह संभव नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा आपको बार बार लगते रहता है। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने का है, मतलब कोई भी चीज मैं कर सकता हूं उसके बदल का विश्वास और खुद के ऊपर का विश्वास कि मैं कर सकता हूं। उसके लिए आप यदि मैं जो बोलता हूं वो 7 सूत्र अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहला सूत्र क्या है कि आपका नॉलेज बढ़ाना। जो भी चीज आपको करनी है उसका आपको अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। जितना अपना नॉलेज होगा, जितना हाईटेक नॉलेज होगा, जितना अद्यावत यानी एकदम करंट नॉलेज आपका होगा और जितना डीप नॉलेज होगा उतना आपका आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे नॉलेज है और मैं कर सकता हूं कोई भी चीज। तो उसका नॉलेज रहना और थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा रहना आवश्यक है। तो सबसे पहला है नॉलेज। तो नंबर 2 जो होता है वो है प्लानिंग। क्या आप कोई भी काम करते हो तो आपका प्लानिंग है कि नहीं, आपके पास में उसकी स्ट्रेटेजी तैयार है कि मैं ये काम कैसा कैसा करने वाला हूं, क्या क्या स्टेप्स आएंगे, कौन से एक्शंस मैं लूंगा। तो वो करना बहुत जरूरी है कि आपका प्लानिंग है कि नहीं शुरू से आखिरी तक का। तीसरा जो मुद्दा है कि आपके स्किल्स आप उसमें डेवलप कर रहे हैं कि नहीं है। स्किल डेवलपमेंट मतलब समझो आपको भाषण देने का है और आपको भाषण देना है तो नंबर 1 आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका प्लानिंग होना चाहिए और आपका स्किल भाषण देने का स्किल, अभी वो डेवलप करना है तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं क्या बहुत ज्यादा। यदि आप उसकी बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपका भाषण अच्छा होगा। और प्रैक्टिस मतलब क्या, पहले आपने भाषण लिख के निकाला, पहले ज्ञान लिया लिख के निकाला, प्लानिंग किया, फिर उसके बारे में आईने के सामने भाषण दे के देखा, फिर घर के लोगों के सामने भाषण दे के देखा, प्रैक्टिस किया, खुद अकेले खड़े रह के प्रैक्टिस किया, मतलब ऐसा 3-4-5 बार आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर स्टेज के ऊपर जाते हैं तो आपका भाषण अच्छा होगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास रहेगा कि मैंने पहले किया हुआ है। लोगों का जैसा कोई भी चीज जो है वो बार बार करने के बाद में आत्मविश्वास लोगों का बढ़ता रहता है। हैरी पॉटर की जो किताब है 11 पब्लिशर ने उसको नहीं बोला, हैरी पॉटर की किताब उसका आत्मविश्वास नहीं डरा, बोले नहीं मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। कौन सी प्रैक्टिस, नहीं सुनने की, और उसने नहीं सुनने की प्रैक्टिस किया, चालू रखा, लोग नया बोलते गए। 12th जो उसका पब्लिशर था उसने वो किताब पब्लिश किया और आपने देखा फिर कितनी सफलता उसको मिली। तो ये बहुत जरूरी है कि मेरा आत्मविश्वास है वो बढ़ाने के लिए मेरे स्किल्स अच्छे हैं कि नहीं है, और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। चौथा है कि अपना जो नकारात्मक स्वसंवाद है उसको सजग होना, कि ऑल द टाइम बार बार हमको नकारात्मक स्वसंवाद आता है, मैं नहीं कर सकता, मुझे यह संभव नहीं है, ये बहुत कठिन है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। तो ये जो नकारात्मक स्वसंवाद रहते कि नहीं वो ज़्यादा मेरे से अच्छा है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की नहीं है, तो हरदम पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और वो हिसाब से फिर अपने स्वसंवाद चालू रखना, नकारात्मक स्वसंवाद को जगह ही देना नहीं है। तो वो करना बहुत जरूरी है कि आपका जो डायलॉग है खुद से, जो खुद बात करते रहते हैं उसको सजग होना, और मैं नकारात्मक बार बार बोलते रहता हूँ और अपने ब्रेन को डैमेज करते रहता हूँ, अपने मन को डैमेज करते रहता हूँ, उसके लिए प्रेजेंट होना। फिर बाद में ये 5वां जो पॉइंट है वो है आपको कोई भी काम पूरी करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या होता है कि हमको एक आदत है ह्यूमन बीइंग को कि हम काम छोड़ देते हैं बीच में, पूरा काम चालू करते, उसको बोलते हैं हम आरंभ शूर, मतलब आरंभ करने के लिए बहुत शूरवीर है, और आरंभ करने के बाद में थोड़ा करेंगे, बाद में बहुत सारे इमोशंस आएंगे, बोर्डम आ जाएगा, है ना, थक जाएंगे, जो भी कुछ होगा, और आप बोलेंगे भी नहीं करते हम। क्या होता है कि जब आप काम पूरा नहीं करते, आखिर तक नहीं लेके जाते, असफलता फिर मिलती है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो काम करने के पहले ही विचार करो कि मुझे ये काम करना है क्या, और नहीं करना है तो मत करो, एक बार शुरुआत कर दिया तो उसको आखिर तक लेके जाओ, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। 6वां जो है कि अपने आप को एक्नॉलेज करो, खुद की स्तुति करो, खुद की तारीफ करो, खुद को बख्शीश दो। होता क्या है कि जहाँ जहाँ हमको यश नहीं मिलता वहाँ हम खुद को कोसते हैं, मेरा बराबर नहीं है, देखो मुझे ऐसा हो गया, मेरा असफलता मिल गई, ऐसा, तो ये हम करते रहते, उससे और डाउन आत्मविश्वास हो जाता है। हमने करना क्या है, एक आप कागज पेन लेके बैठो और देखो कि मुझे पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 महीने में कहाँ कहाँ, मुझे भले छोटी हो, मुझे कहाँ कहाँ सफलता मिली,
मैंने कौन सा काम पूरा किया। और आप जब देखेंगे कि इतनी बड़ी लिस्ट है कि जो मैंने काम किए हुए है जिसका मैंने एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, जिसने मैंने नोन उसकी लिया नहीं है, तो उसकी नोन लो और खुद को बख्शीश दो। कोई भी काम करने के बाद में खुद को बख्शीश आप दे सकते हैं कि समझो अपने हफ्ता भर का काम एक लिखा है कि मैं हफ्ता भर में ये काम करूंगा, एक हफ्ते के बाद में आप खुद को बख्शीश दे सकते हैं, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब आप बख्शीश देंगे तो आपको वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मैंने इतनी सफलता हासिल की। बख्शीश क्या देंगे? बख्शीश देंगे कि भाई आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, फैमिली के साथ में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, सिनेमा हाउस में जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आप अपने आप को बख्शीश दे सकते हैं। तो बख्शीश देने से, अपने आप को एक्नॉलेज करने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। सातवां जो है कि लोगों की सहायता करो, लोगों की मदद करो, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करो। क्या होता है, हम जब लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को हम जब देते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो फील गुड हार्मोन है, उसका स्त्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब उसका स्त्राव होता है हमको अच्छा लगता है, अच्छा जब लगता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई भी चीज़ हो, मतलब कुछ भी काम करना है आपको, तो आप लोगों के लिए कोई भी काम से आप लोगों को सहायता कर सकते, किसको आप रास्ता पार करवा के दे सकते हैं, किसको आप समय दे सकते हैं, किसकी जो दर्द भरी कोई कहानी है उसको कोई सुनाने वाला चाहिए, उसके साथ में एम्पथाइज करने वाला चाहिए, उसकी कहानी सुन सकते हैं, उसको आप सपोर्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, किसको पैसे की मदद कर सकते हैं, किसको खाना दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। और वो छोटे छोटे मात्रा में भी किया तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको जब अच्छा लगता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो ये जो सात सूत्र मैंने बताया, नंबर एक है नॉलेज खुद का बढ़ाना, नंबर दो है प्लानिंग करना मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, नंबर तीन है अपना खुद का स्किल्स डेवलप करना, नंबर चार है अपना नकारात्मक स्वसंवाद जो है उसको तोड़ना, उसके बदले पॉजिटिव अफर्मेशन लाना, नंबर पाँच कोई भी काम पूरा करना, आधा छोड़ने का नहीं है, नंबर छः है एक्नॉलेज करना है, खुद की तारीफ करना और बख्शीश देना, नंबर सात है लोगों की मदद करना है। ये आप करते हैं डेफिनेटली आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये नियम, ये सात सूत्र कहीं भी लागू होते हैं, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी काम में आप काम मतलब लागू करते हैं, आपको वो काम में डेफिनेटली आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।